गाइज वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने आज 4-5 दिन बाद अपना कैमरा उठाया हुआ है क्योंकि घर में ना थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ी। जब हम आए घर काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था और अभी मुझे थोड़े देर में नहाना है, इस वजह से मैंने मेरी हेयर को ना वो कॉम करके छोड़ दिया है ताकि थोड़े से हवा हो जाए। बिकॉज तो पता ही है कि गर्मी चल रही है तो बालों को सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत हवा की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने इस वजह से खुले रखे हुए हैं अपने बाल और जस्ट अभी मैं उठी हूँ। मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं ब्रश करके आई हूँ और टोनर लगाया है मैंने मेरे फेस पे और कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, मैं चाय बनाऊँगी खुद के लिए। मुझे मशीन में कपड़े भी लगाने हैं तो मैं सोच रही हूँ पहले मशीन में कपड़े लगा लूँ फिर मैं चाय बनाऊँगी। सच बताऊँ ना, यहाँ आने के बाद 2-3 दिन तो हमारा मन ही नहीं लगा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं होटल में रुकने गए हैं। और उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा मन लगा है, लेकिन मन थोड़ा भी परेशान कर रहा है। अब उसको वहाँ की आदत हो चुकी है तो अब उसको वो के खुले मैदान में जाना है, बाहर साइड जाना है, हम उनके उसको बालकनी में ले लेके खड़े होते हैं तो वो ठीक हो जाता है थोड़ा। और अगर जैसे ही अंदर लेके आते हैं तो वो रोने लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी फिर से हमें हो रही है, जैसे कि जब हम इंदौर गए थे ना, इंदौर से दमोह गए थे ना, तब भी हमको सेम प्रॉब्लम हुई थी। उसको यहाँ की आदत थी तब वो वहाँ की आदत में ढलने में काफ़ी वक्त ले लिया था। अब देखो क्या होता है। बाकी चलो मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ और आती हूँ बैक टू रूटीन पे। यस, अब आप लोगों को शायद मेरे डेली ब्लॉग मिलेंगे। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चा परेशान कर रहा है, अभी मन परेशान कर रहा है, ऊपर से उसका तीत भी निकल रहा है। तो मे बी शायद मेरे रेगुलर ब्लॉग आपको देखने को मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगी रेगुलर ब्लॉग करने का। मैंने कंटिन्यू तो किया है, अब देखते हैं। तो चलिए पहले मशीन में कपड़े लगा देते हैं, उसके बाद हम चाय बना के चाय पियेंगे। पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं और अब बस मैं कुछ नहीं, इसको मशीन को लगा दूंगी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। ये भी हैं, कुछ बेडशीट वही हैं जो कि मुझे वो भी लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये वाला राउंड कर लेती हूँ फिर बेडशीट का राउंड करूँगी। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने मशीन चालू कर दी है और ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है तो सारी चीज़ें इसी में हो जाती हैं। और यही सुविधा है क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाता है, मतलब इस मशीन को लगाने के बाद ना आप कोई भी काम कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले इसको स्टार्ट कर दिया, उसके बाद चालू कर दिया था। और यहाँ पे जो एक्सप्रेस वॉश दिख रहा है ना, यहाँ पे ये होता है कि आपका जो 40 मिनट का राउंड होता है वो 35 मिनट का हो जाता है 37 मिनट का हो जाता है, डिपेंड करता है आपने कपड़े कितने डाले। जैसे कि ये हो गया है 37 का, तो बस अभी इस 37 पे धुल जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चाय बनाते हैं। मैंने लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं किया है। अभी बज रहा है 8 और मैंने बच्चों को सुला दिया। तो मैं उठ गई थी 6:30 बजे पर मैं 7 बजे तक बिस्तर में ही रही ताकि मंस को दोबारा से नींद आ जाए क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना था। तो वो दोबारा से सो गया क्योंकि जब तक मैं बिस्तर में रहती हूँ ना तो फिर उसका मन नहीं, लेकिन अगर मैं उठ के उसको हॉल में लेके आ जाती थी तो वो खेलता कूदता और मैं काम नहीं कर पाती। काम मुझे काफ़ी सारे करने हैं। सो चलो पहले चाय पी लेते उसके बाद काम करेंगे। ये हमारी यहाँ पर बन गई है चाय जिसको अब मैं छान लूँगी, और मेरे अकेले की चाय है इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है क्योंकि मैं भर के कप भी चाय नहीं पीती हूँ। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। सो गाइज़ मैं मेरी चाय लेके रूम में आ गई हूँ और चाय पीने वाली हूँ। काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे, मैं जब से आई हूँ ना मेरा मन ही नहीं लग रहा। मुझे पता अजीब सा लगता है कि क्या बताऊँ, क्योंकि देखो मेरा वो जो चाय पीने का अड्डा था वो भी बहुत अच्छा था। जब मैं वहाँ से सुबह सुबह चाय पीती थी तो बहुत बढ़िया मौसम हुआ करता था, चिड़ियों की चिरचिराहट मिलती थी सुनने को, जो कि यहाँ नहीं मिलती है, वहीं मिलती है।
और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। मतलब सुबह के टाइम पे, इस टाइम पे मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ कोई नहीं है। वहाँ पे ऐसा रहता है कि वहाँ पे ये रहता था कि देखो, पापा भी रहते थे, बुआ भी रहती थी, मैं रहती थी, मंस उठ जाता था। यहाँ पे मंस को उठा के मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं चाय बना रही हूँ, फिर मंस को अकेले छोड़ना मुश्किल हो जाती, क्योंकि स्क्रोलिंग बहुत टाइम से करने लगा था वो। अभी वो क्या करता है, टेबल कुर्सी कुछ भी पकड़ के खड़ा होता है, तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए। और वहाँ पे फर्श था, यहाँ पे टाइल्स है, टाइल्स पे और ज़्यादा जोर से लगती है, तो जब वो गिरता है ना, तो उसको बहुत ज़ोर से लगती है। हम लोगों के देखते देखते भी वो एक दो बार गिर जाता है। तो चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ। चाय मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा ही है। आप लोगों को क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी मुझे नहीं पसंद, ज़्यादा नहीं पसंद, पसंद है पर ज़्यादा नहीं पसंद। चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चाय भी मैं सुबह पहले एक लोटा पानी या एक गिलास पानी पीती हूँ बिना ब्रश किए। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और अब मैं जाऊंगी, क्या करूंगी, थोड़े से कपड़े रखे हैं जो मैंने कल वॉश किए थे, तो उनको फोल्ड करूंगी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी। ठीक है, चलो। सो चाय बाय होने के बाद मैंने नहा लिया था, और कपड़े उपड़े छत पे सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने पहले बाल ठीक कर रही थी। एक्चुअली मैं वीडियो स्टार्ट कर चुकी थी, बट मुझे बाल के साथ मैं ओके नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरे बाल कुछ और तरीके से रहेंगे तो वो अच्छे लगेंगे, मतलब हेयर स्टाइल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट मेरे लिए ये वाला हेयर स्टाइल ना बहुत ईजी होता है, लेकिन क्या करूं, पर मुझे खुद में अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पर मैंने ऐसे करके देखा मुझे अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सोचा हाफ बन बनाती हूँ। और बस यही है कि आपको नहीं पता होता है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है, या आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ कितना परेशान होने वाले हो। मतलब इस दिन तक मुझे कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं था, बाद में हम इतने ज़्यादा टेंशन में रहेंगे ये भी पता नहीं था। और क्या बोलूँ, काम पे तो फोकस कभी हो ही नहीं सकता ऐसा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इस जूड़े हाफ बन को बनाने का ट्राई किया। मैंने येलो कलर का रबड़ तो लगाया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हेयर दिखने चाहिए, रबड़ नहीं। थोड़ी सी बाल आगे कर लिए और बस अब मैं अपनी वीडियो बनाना चालू कर दूंगी, क्योंकि इसके साथ मुझे ओके लग रहा था कि ठीक है इस तरीके से हेयर स्टाइल ठीक है, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, हमेशा ही कि एक हेयर स्टाइल, अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता। गाइज़, मुझे आज एक वीडियो शूट करना था, तो मैं जस्ट अभी सूट करके फ्री हुई हूँ, नहा के मैं सीधे रेडी हो गई थी वीडियो शूट करने के लिए। ये वाला सूट ना मुझे पहनना नहीं था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो इसी से रिलेट बनानी है, तो मैं एक बार पहन लूँ ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है। और ये वाला वीडियो शायद आप इस वीडियो के बाद या पहले देखेंगे, सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देखना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सूट मैंने कहाँ से लिया वो मैं बताऊँ, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेरी रिंग लाइट और वहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने जस्ट वीडियो बना के फ्री हुई। ये सूट ना मैंने ये वाला जो सूट है ये मैंने सिलवाया हुआ है, एंड ये पटियाला सूट है, बहुत ही प्यारा सूट सिलाया। मैं उनको बोल के आ गई थी कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा सिल देना, तो उन्होंने उस हिसाब से सिल दिया है। अब मैं बांध रही हूँ बाल, क्योंकि गर्मी तो लगी रही है मुझे बहुत टाइम से, हल्की हल्की लग रही थी, अब और ज़्यादा लगने लगी है, क्योंकि जैसे ही कपड़े रूम में फैल जाते हैं ना, आपको अपने आप गर्मी लग जाती है। और मेरे बाल देख रहे हो नीचे से कितने ख़राब हो रखे हैं, क्योंकि ना मैं वहाँ पे बांध ही रहती थी बाल फुल टाइम, और बालों को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको आज सुबह ही शायद बोला था। तो उस हिसाब से बालों में हवा लगना बहुत ज़रूरी है, मेरा फुल टाइम ऐसे जूड़ा बना के रखती थी मैं। एक्चुअली मैं जूड़ा बनाना ही प्रेफर करती हूँ, सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यही है। मतलब मेरे को चोटी नहीं जमती, मेरे को चोटी मैं करती हूँ, बट मुझे चोटी से ज्यादा जूड़ा कंफर्टेबल लगता है, इस वजह से भी। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, चेंज करके आप लोगों से मिलती हूँ। मन तो कर रहा है एक दो रील बना लूँ, बट सच बताऊँ ना, मेरे इस मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन है, क्योंकि काफी टाइम से मोबाइल को मैं यूज कर रही थी मेरी वीडियो के लिए, इसकी वजह से। चलिए मैं अब आपको मिलूंगी थोड़ी देर से। सो गाइज़, हमने कल जब व्लॉग आप लोगों के सामने बोला था ना कि हम बाद में मिलेंगे, उसके बाद मंस को फीवर आ गया था, फिर हम लोग रात में उसको हॉस्पिटल लेके गए और अच्छी खासी डॉक्टर के पास दिखवाया था, बट उसका फीवर ठीक नहीं हुआ।
उसको दवाई देने के बावजूद भी उसको 2 से 3 घंटे में फीवर आ गया। अब हम जा रहे हैं, सुबह हो रही है, सुबह के 6 बजने को हैं। हम जा रहे हैं थोड़ा सा आंकी तक, मन उसको झड़वा भी दे, क्योंकि देखो दुआ दवा सब काम आता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मैं जा रही हूँ झड़वाने के लिए, मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, मैं भी ये बात बोल रही हूँ। बट क्या है, कुछ चीज़ें एक्टिविटी होती है ना, जब बच्चा कर रहा होता है आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि आप दोनों चीज़ें करो। बस इस टाइम पे हमें वही फील हो रहा है कि हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ हरकतें भी ऐसी कर रहा है और ऐसे ऐसे करता है और उसके रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार झड़वाना भी सही रहेगा। ट्रीटमेंट हमने करवा ही लिया है, ऐसा नहीं हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, करवाया है। तो उससे अगर आराम भी नहीं मिल रहा ना, तो वो भी करवा के देख लेते हैं। बाकी वो बैठेंगे 12 बजे, 12:30 बजे तक हमारा टाइम कैसे कटने वाला है हमें नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा मंस को देख के। उसको एक ही दिन में उसका फेस बिल्कुल उतर गया है और वो एकदम ऐसा पतला पतला दिख रहा है। एक तो वैसे ही वो दुबला सा हो गया था, उसके टीथ निकल रहे हैं, उसके 2 दांत निकल गए हैं, तो जिसकी वजह से वो एकदम दुबला पतला सा हो गया था। और आज तो वो मतलब बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, वीक लग रहा है, उसके अंदर ताकत ही नहीं लग रही है। तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बाल मेरे ऐसे बिखरे पड़े थे, क्योंकि अब ऑब्वियसली सो के उठी हूँ, जस्ट सो के उठी हूँ, मैंने सिर्फ कुल्ला किया है। मतलब वैसे तो मैं उठ गई थी, बट बिस्तर पे थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं आधे 1 घंटे हम दोनों डिस्कस कर रहे थे क्या करें, फिर अभी मेरे को थोड़ा समझ में आया। मैंने कहा चलो यार इसी बहाने क्या मंस को थोड़ा सा घुमा भी देंगे, क्योंकि उसको सच बताऊं दमू की भी बहुत याद आती है। हमें क्या करना पड़ता, हम विंडो में लेके बैठ जाते हैं तो फिर बाय हाय थोड़ा खुश होता है वो। तो हमने कहा वो भी करवा देंगे, प्लस में एक मजार पड़ती है वहां पे हम चढ़वा भी देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हमें ये ना फील हो कि हमने वो चीज़ करके नहीं देखी। पता चले हम ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में जा रहे हैं और हमने झड़वाया नहीं, और बाद में उसी चीज़ से आराम मिल जाए, और कल को पता ये भी चले कि आपने झड़वाया है और आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो सब फर्स्ट हम ट्रीटमेंट ही लिए थे, सेकंड हम झड़वाने का सोच रहे हैं। बाकी आज हमें फिर जाना है 12:30 बजे, हमें डॉक्टर ने बुलाया था कि अगर नहीं आराम मिलता है तो आप 12:30 बजे आइएगा। और फीवर उसको आ गया था, रात को हमने दवाई दी थी उसको 11 समथिंग पे, और अभी उसको फीवर कितने बजे आ गया, 3 बजे समथिंग उसको फीवर आ गया। तो मतलब उसको आराम वही 4-5 घंटे का ही लगा, उसके बाद फिर वही हाल है। और तब से हम लोग जाग रहे हैं, 4:30 बजे से तो क्लियरली जाग रहे हैं, आप मेरी आंखों में मेरी नींद भी देख सकते हो। और क्या बोलूँ, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बस जा रही हूँ, सोच रही हूँ जाऊँ झड़वाऊँ उसको। तो चलिए चलते हैं साथ में। मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, ब्लॉगिंग करने का कोई और मकसद नहीं है, बस ये है मैं मेरी लाइफ अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ ना मेरी लाइफ बहुत उथल पुथल हो रखी है। मैं उस पर एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी, शायद पहले ही अपलोड कर दूंगी इस ब्लॉग के जाने के पहले, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं ना आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो। मैं मेरे काम पे फोकस कैसे कर लूँ, मेरे मेंटल स्टेटस के बारे में आप लोगों को भी कोई नॉलेज नहीं है। मैं कहाँ किस चीज़ से कितने दर्द से गुजर रही हूँ इसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। सो गाइज, आप देख सकते हैं हम इस मज़ार मस्जिद में आ गए हैं, बट लॉकडाउन की वजह से ये लॉक है। बट कोई ना बाहर से झड़ जाएगा, मतलब झड़वा देंगे मंस को, क्योंकि हमें यही पास में लगा, यहीं आ गए हम। सो गाइज, हम मज़ार आ चुके हैं, ये है मंस। थोड़ा सा बाबू बात कर रहे हैं ताकि झड़ जाए झड़ने से और हम निकल जाए। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह हो रही ना, इतनी सुबह सुबह नहीं होती होगी, क्योंकि बंद भी है ना, जो झाड़ वाले होंगे वो झाड़ देंगे और फिर हम चले जाएंगे घर। सो गाइज, हम लोग अब सीधे निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि 12:30 बजे हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। सो चलिए, हम मिलेंगे अब आप लोगों को अगले व्लॉग के साथ, यानी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था मैं आप लोगों से क्या बात करूं। कहते ना, आप खुद टेंशन में हो तो आप क्या बात करोगे, और वैसी कोई भी बात नहीं करना चाहती जिससे आपको टेंशन हो, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसी वजह से अभी तक नहीं बताई थी कोई भी बातें।